थोड़ी बहुत मशीन वीडियो भी बनानी है तो मैं कभी अगर तुम पूछा तो शायद बैठ जिस पहले डिपार्टमेंट हम दाखिल हो रहे हैं ये बिलो रूम डिपार्टमेंट है। बिलो रूम इसके अंदर कॉटन के अंदर जो सीट्स वगैरह होते हैं इसका पर्पज होता है ओपनिंग एंड क्लीनिंग। इसने ओपन करना है और क्लीन करना है इसको। अच्छा। तो साथ ही ये प्रोसेस पूरा चलता आ रहा है मशीन में। अच्छा। स्टेप बाय स्टेप होता हुआ आगे की तरफ आ रहा है। इसके अंदर कॉटन डाली जाती है, ये बेल पड़ी हुई है। अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाए। अच्छा, कॉटन कॉटन बेल्स हैं ये। अच्छा, तो इसके साथ इसके इनपुट में कॉटन होती है और आउटपुट में लैप होता है। वो लैप शीट हमारी उस साइड पे निकलती है, ये लैप शीट है। इस लैब से हम इसको एक स्लैबर फॉर्म में लेके आते हैं जिसे हम वैसे पूनी का नाम भी दिया जाता है। जी, वैसे उस स्लैबर का होता है कि वो आगे आपको चलते दिखाते हैं। जी सर, यानी कि ये प्रोसीजर है कि कार्टन से जो है धागा बनता जो है। अच्छा, और ये स्लाइवर है जो इस मशीन ने बनाया है, ये वाला। जी जी, ये कार्ड मशीन पे लगाया जाता है। अच्छा। तो उसके बाद नेक्स्ट मशीन इसके आए आती है ड्राइंग मशीन, जहाँ पे हम खड़े हैं। अच्छा, ये कार्ड की थोड़ी सी देख ले, ये कार्ड मशीन है। अच्छा सर, यहाँ से वो स्लाइवर निकलता है, इस पर मशीन स्टॉप है, यहाँ से होते हुए स्कैन के अंदर उसके कॉइलिंग आ रही है। ठीक है। अच्छा, वो जैसे जैसे बनते जा रहे हो इसके बैठते जाते हैं। अच्छा सर, तो नेक्स्ट हम ये मशीन है हमारी, इसे हम ड्राइंग मशीन कहते हैं। ड्राइंग मशीन का पर्पज ये है कि ये आपके रेशों को सीधा करता है और वजन को एक जैसा करता है। अच्छा, इसके पीछे 8 कैन लगाए जाते हैं, आगे 1 कैन बनता है। अच्छा, आगे आगे तो जी इससे जो धागा बनता है सर, वो ये धागे के ही सारे शेप बन रही है। यहाँ पे सबसे पहले ये स्लैबर बना, स्लैबर के बाद अब ये देखें कि वो मशीन के ऊपर स्लैबर लगा हुआ है, इसको सिंप्लेक्स मशीन कहते हैं। तो हमने इसके अंदर इसको फीड किया। जी जी, ये चीज बनी। सबसे पहले आप देखेंगे कि पीछे वो स्लैबर मोटा था, यहाँ से हम ड्राफ्टिंग के लिए हमने इसको ब्रीक किया है। जी जी, इसको हल्का सा ट्विस्ट दिया गया यहाँ पे अभी, और इसके बाद ये इस फॉर्म में ये हमें रोविंग भी होती है, ये इसे रोविंग कहते हैं। जी जी, ये नेक्स्ट यान बनाने के लिए उस मशीन की इनपुट होगी और आउटपुट उसका यान होगा। अब इस यहाँ पे स्लाइवर लगाया गया था और आउटपुट इसे ब्रीक को हम रोविंग कहते हैं। अच्छा, ठीक है जी, ये रोविंग है। अब ये नेक्स्ट मशीन पे जाएगी जहाँ पे रिंग मशीन है, तो रिंग मशीन चलिए आगे वाली मशीन पे। ये देखिए, ये उस मशीन जो सम्प्लेक्स से हम आए हैं, ये वाली बाबर उधर तैयार हुई है। अच्छा, रोविंग कहते हैं। तो ये इसका ड्राफ्टिंग सिस्टम है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रीक सा यान निकला हुआ है, इस बाबर के ऊपर यान आ गया। ठीक है ना, इस तरह के पैकेज इस मशीन पे बनते हैं। ये ब्रीक धागा यहाँ पे आ जाते हैं, सिंगल थ्रेड है ये। ये देखिए, तो कार्टन लोकल ही होती है सर, जो पाकिस्तानी होती है या बाहर से लेते हैं? दूसरी भी होती है, अमेरिकन कॉटन भी होती है। अच्छा, इंडियन भी है। अच्छा, तो ये अच्छी कौन सी कॉटन होती है सर? पीमा कॉटन, अमेरिका की। लंबा रेशा होता है उसका। अच्छा, लंबा रेशा होता है। ये तकरीबन 25 mm पाकिस्तानी होती है। अच्छा, तो वो जो रेशा वो है वो 35 तक ऊपर इसके तो रंबल होती है। सही सही। तो इसको ये जो पैकेज बन जाते हैं हमारे पास, मार्केट में भेजने के लिए ऑटोकॉन मशीन इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये केली केली बाबन से धागे को उतार के एक पैकेज पे किया जाता है। अच्छा अच्छा, ये देखें जी,
ये इसे कोन कहते हैं जी जी ठीक है, वो जो उधर रिंग पे छोटे छोटे पैकेज बने थे उस मशीन के नीचे आते हैं और यहाँ से हम इसे इसके ऊपर वाइंड होते हैं, जैसे ही वो खत्म होता है दूसरा पैकेज आ जाता है, उसके साथ इसकी सप्लाई लगती रहती है, गिरा लगने के बाद ये पैकेज बड़ा हो जाता है जो रिक्वायर्ड हो, 4 पाउंड 2 पाउंड वो ये तो लोकल कोन छोटी सी वो कोन होती है जो मतलब आम जो अपने खड्डियों वगैरह में होती है सर, जो मशीनें होती हैं खड्डियों में वो शटल होता है उसमें अच्छा। उसमें चलता है, यहाँ पे वो बाबले अनवाइंड होती हैं और इसमें वाइंड हो जाती हैं, ये एक अब ये तैयार है वीविंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए कपड़ा अच्छा, बनने के लिए कपड़ा बनने के लिए ये तैयार होता है ठीक है सर। ये ऑटोकोन लास्ट मशीन है हमारी, इस मशीन का क्या नाम है, इसे कहते हैं ऑटोकोन, ऑटोकोन मशीन। ये कितना प्रोसीजर होता है, पहले क्या होता है सर, ये सबसे पहले बिलोरूम में कार्टन डाली जाती है, वहाँ पे एक लैब शीट बनती है अच्छा। और लैब शीट के बाद उस लैब शीट को हम कार्डिंग मशीन पे लेके आते हैं अच्छा। जहाँ पे फाइबर टू फाइबर उसका ओपनिंग होती है और उसके बाद उस स्लैबर की शक्ल बन जाती है, उस स्लैबर को हम ड्राइंग मशीन पे लेके आते हैं जहाँ पे हम उसके ऑटो लेवलिंग के जरिए उसके वजन को एक जैसा और रेशो को सीधा करती है अच्छा। तो फिर नेक्स्ट मशीन पे हम लेके आते हैं सिंप्लेक्स पे, सिंप्लेक्स पे हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, ड्राफ्टिंग हो रही है और ड्राफ्टिंग से आगे जो हमें आगे मसूल हो रही है रोविंग, उसे हल्का सा ट्विस्ट दिया जाता है वहाँ पे अच्छा। वो एक सिंप्लेक्स 52 पे मटेरियल हमारे पास रिंग मशीन पे आ जाता है, रिंग मशीन की इनपुट होती है और आउटपुट उसका यार्न होता है और यार्न के बाद हम उस यार्न को इधर 52 से पैकेज पे लेके आते हैं, एक बड़ी कोन बन जाती है जो लास्ट प्रोडक्ट स्पिनिंग की है, स्पिनिंग की होती है। चलिए सर थैंक यू ओके।